hello guys in this video you are going to learn about condensation polymers and it is a part 1 of condensation polymer so in this video you will learn about two particular polymers which are polyamides one of them is nylon 6 and the second one is nylon 6 6 as i initially told that they are polyamides so let us understand them one by one why the first one the first one is nylon 6 नायलॉन सिक्स का जो मोनोमर होता है ये जो यहाँ पे शो किया गया है सेवन मोमीटरिंग इट इज़ द मोनोमर ऑफ नायलॉन सिक्स फेमसली नोन एज कैप्रोलैक्टम द नेम इज़ कैप्रोलैक्टम नाउ द कैप्रोलैक्टम इज़ हाइड्रोलाइज इसका हाइड्रोलिस किया जाता है हाई टेम्परेचर पर इसके बहुत सारे यूनिट्स लेटेस एन यूनिट्स आपस में कम्बाइन करते हैं हाइड्रोलिस से सबसे पहले ये ब्रेक डाउन होते हैं और फिर वो आपस में कम्बाइन करते हैं एट हाई टेम्परेचर एंड फाइनली दिस पर्टिकुलर पॉलीमर इज़ फॉर्म्ड ये इस पॉलीमर का रिपीटिंग यूनिट है जिसका नाम होता है नायलॉन सिक्स सिक्स यहाँ पे इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके रिपीटिंग यूनिट में टोटल नंबर ऑफ कार्बन छः हैं सो एज़ द रिपीटिंग यूनिट कंटेन्स टोटल ऑफ फाइव प्लस वन यानी सिक्स कार्बन इट इज़ नोन एज नायलॉन सिक्स तो आइए देखते हैं सबसे पहले इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या बनेगा तो देखिए इसका जब हाइड्रोलिसिस हम करेंगे तो इसमें आपको इसका शॉर्टकट आना चाहिए हम इस सी एन बाउंड को ब्रेक करेंगे और सी एन बाउंड ब्रेक करने के बाद इस सी को देंगे हम ओ एच और इनको हम देंगे एच जिससे हमें कुछ ऐसी स्पीसी मिलेगी यहाँ मिलेगा सी ओ एच फिर ये कार्बन कितनी बार रिपीट होगा सी एच टू सी एच टू सी एच टू पाँच बार ये रिपीट होगा तो ये सी एच टू फाइव टाइम्स तो ब्रैकेट का हम यूज़ करेंगे और फिर यहाँ पे होगा एन एच टू अब देखिए ऐसा एकमात्र यही यूनिट तो है नहीं ऐसा यूनिट आगे भी होगा पीछे भी होगा और ये सब आपस में कम्बाइन करेंगे तो कैसे आपस में ये कम्बाइन करेंगे आइए उस बारे में हम देखते हैं तो इसके आगे मैं इसी जैसा एक यूनिट दिखाता हूँ आपको तो अब देखिए ये कैसे आपस में कम्बाइन करेंगे ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है पार्शियल नेगेटिव चार्ज है इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव है एन अपना इलेक्ट्रॉन यहां डोनेट करके ओ को यहाँ रिमूव कर देगा ये जो ओ एच यहाँ से रिमूव होगा वो यहां से एक एच को रिमूव कर देगा ताकि नाइट्रोजन न्यूट्रल रह सके इससे यहां क्या बनेगा इससे यहां बनेगा कुछ ऐसा C डबल बॉन्ड हो ओ एच सी एच टू कितनी बार आएगा पांच बार आएगा यहाँ पे आएगा एनएच इधर आएगा C डबल बॉन्ड फिर आएगा सी एच टू कितनी बार पांच बार फिर आएगा एन एच टू ये हो गई रिएक्शन की स्टार्टिंग तो अगर इसमें आप नोटिस करें तो ये जो सी ओ एन एच है ये कौन सा बॉन्ड है अमाइड बॉन्ड इस पूरे पॉलीमर के अंदर ये अमाइड लिंकेज बार बार क्या होने वाली है रिपीट होने वाली है हेस नाइलॉन सिक्स इज अ टाइप ऑफ अमाइड बिकॉज इट कंटेन्स सो मैनी अमाइड बॉन्ड्स अब देखिए यही चीज यहां पीछे से भी होगी यानी इसके पीछे जो एक और यूनिट होगी वो इससे क्या निकाल लेगा इसका ओ एच को रिमूव कर देगा और ये एन आगे जब रिएक्शन करेगा तो इसका एच एक रिमूव हो जाएगा यानी हम इसका रिपीटिंग यूनिट बता सकते हैं हम उस यूनिट के बारे में बात कर सकते हैं जो बार बार रिपीट करने वाला है अगर आप फोकस करें तो आपको दिखेगा कि ये जो पर्टिकुलर यूनिट यहाँ पे हमने शो किया है ये यूनिट यहाँ पे क्या होने वाला है रिपीट होने वाला है तो किसी भी पॉलीमर में हमें क्या चाहिए होता है रिपीटिंग यूनिट तो ये हमें मिल गया रिपीटिंग यूनिट और इस रिपीटिंग यूनिट को हम बोलते हैं नायलॉन सिक्स तो सबसे पहले हमने कैप्रोलेक्टम का हाइड्रोलाइसिस किया और फिर मल्टीपल यूनिट्स को आपस में कंबाइन करके रिपीटिंग यूनिट को पहचाना विच केम आउट टू बी नायलॉन सिक्स आइए देखते हैं हम नायलॉन सिक्स सिक्स क्या होता है अब देखते हैं नायलॉन सिक्स सिक्स के बारे में ये जो नायलॉन सिक्स सिक्स है एक्चुअली इट इज़ अ टाइप ऑफ को पॉलीमर वट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉलीमर इसका मतलब ये होता है कि जिसमें दो डिफरेंट तरह की मोनोमेरिक यूनिट्स का यूज़ हो तो अगर आप ध्यान दें तो इसमें एक मोनोमर ये है ये जो मोनोमर हमने यहाँ पे यूज़ किया इसका नाम होता है एच एम डी एनि हेग्जा मिथाइलिन डाई तो इसमें छः तो मिथाइलिन है और डाई अमाइन है इसको अगर मैं देखूं तो ये जो होगा इसको बोलते हैं कॉमनली एडिपिक एसिड अगर आप ध्यान दें तो एच के अंदर भी टोटल ऑफ छः कार्बन है और एडिपिक एसिड में भी टोटल छः कार्बन है दोनों मोनोमेरिक यूनिट में छः छः कार्बन होने की वजह से यहाँ पे हम नाम का यूज़ करते हैं नायलॉन सिक्स सिक्स अब देखिए हमें बनानी है इसकी रिपीटिंग यूनिट तो आप बहुत ध्यान से देख सकते हैं जो नाइट्रोजन है ये यहाँ पे C पे अटैक करके OH को निकालेगा और ये जो OH- एच माइनस है वो यहाँ से H को एक H को रिमूव करेगा तो यहां हमें मिल जाएगा NH एच सी डबल बॉन्ड ओ तो अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे एन और जो सी है इससे हमारा क्या बना इससे हमारा अमाइड लिंकेज बन गया इसका मतलब ये भी एक तरह का पॉली अमाइड है अब अगर आप देखें तो सी जो है इसमें सी ओ -OH का हमने ओ OH हटाया क्योंकि okay, आगे भी इस तरह के बहुत सारे यूनिट्स होंगे लगातार रिपीट होते रहेंगे तो वो इसका ओ एच निकाल देंगे तो हम इसको ऐसे दिखाएंगे सिमिलरली एन से पहले भी एक सी ओ ओ रहा होगा तो उसका इसने क्या निकाला होगा ओ एच और इसका क्या निकला होगा एच तो ये जो पूरी यूनिट एज अ होल है ये बार बार पूरे सिस्टम के अंदर रेप्लीकेट होती रहेगी तो ये जो रिपीटिंग यूनिट हमारे पास है इट इज़ नॉन एज नायलॉन सिक्स सिक्स तो नायलॉन सिक्स सिक्स को कैसे बनाया जाता है इट इज़ फॉर्म बाय रिएक्शन ऑफ एच एम डी एंड एडिपिक एसिड हेक्सा मिथाइलिन डाइमाइन एंड एडिपिक एसिड आपस में कंबाइन करते हैं दोनों यूनिट्स के अंदर छः छः कार्बन होने की वजह से इसको बोला जाता है नायलॉन सिक्स सिक्स एंड इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ पॉलीअेमाइट अब स्टूडेंट्स एक बात बताओ नायलॉन सिक्स सिक्स में एंड नायलॉन सिक्स में विच इज स्ट्रोंगर पॉज कीजिए और सोचिए चलिए मैं तो आपको जवाब दे देता हूँ नायलॉन सिक्स सिक्स इज स्ट्रॉगर देन नायलॉन सिक्स बिकॉज एक्सटेंट ऑफ एच बॉन्डिंग इज मोर इन केस ऑफ नायलॉन सिक्स सिक्स क्योंकि यहाँ पे ऐसे दो हाइड्रोजन एटम है जो एच बॉन्ड बनाने की काबिलियत रखते हैं और उस केस में ऐसा एक ही एच है जो एच बॉन्डिंग बना सकता है तो दिस एच एज वेल एज दिस एच कैन फॉर्म एच बॉन्डिंग हैज नायलॉन सिक्सिस हैज मोर स्ट्रेंथ देन नायलॉन सिक्स इन द नेक्स्ट वीडियो हम कंडेंसेशन पॉलीमर का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे जिसके अंदर हम पढ़ेंगे टेरेलीन को बेकलाइट वगैरह को ओके गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग प्लीज़ डू शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब